लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी एक्शन में हैं। सीएम योगी लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठक कर अधिकारियों के साथ पेच कस रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने शिक्षक पुरस्कार में पारदर्शिता बरतने, ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया को इसी महीने समाप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की लगभग 16,000 मुकदमे लंबित हैं, जिन्हें एक अभियान चलाकर निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। पूरे 220 दिन तक का पढ़ाई पाठ्यक्रम हो, इसकी पूरी व्यवस्था के लिए सम्यक एक शैक्षिक पांचांग का निर्धारण के लिए कहा गया है और हम लोगों ने तय किया है कि साल भर की एक्टिविटीज़ क्या चलनी हैं ये अभी से तय कर देंगे। परीक्षा भी कब होनी, कब कॉपी चेक होनी, कब रिजल्ट निकलना है, ये भी अभी आने वाले एक माह के अंदर इसको हम सब तय कर देंगे। और साथ में हम सब इस बात के लिए कि जो हमारा चयन है शिक्षकों का, रिक्त पद हैं जो प्रमोशन से हैं उनको प्रमोशन से, और जो अधियाचित करके हो सकते हैं अधियाचन जिनके लिए भेजने के लिए, तो वो प्रक्रिया को लगभग तेज गति से करने का यहाँ पर निर्णय हुआ है। जो जहाँ जहाँ पर कुछ हमारे नए विद्यालय खुल रहे हैं, उन नए विद्यालयों को कुछ जगहों पर मॉडल के आधार पर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और PPP मॉडल पर कुछ जगहों पर जो संचालन है निजी क्षेत्र के लोग अगर करना चाहें तो कुछ विद्यालयों के अंतर्गत हम उसको कर लें। और ये भी तय हुआ कि कुछ जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज या हाई स्कूल के विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, उनमें एक सेक्शन जो हमारे मुख्यालय पर विद्यालय हों या जहां पर हम सुविधा दे सकते हैं, एक सेक्शन हमारा कम से कम अंग्रेजी माध्यम का हो। साथ में सुबह, वैसे तो ये बेसिक के लिए है कि जो प्रार्थना होती है, PT होती थी, वो फिर से होनी चाहिए, इस प्रकार के मंतव्य विचार आए हैं, लेकिन अभी इस सम्यक निर्णय के बाद इसकी सूचना दी जाएगी। और साथ में जो अध्यापक पुरस्कार में पारदर्शिता रखने का, और साथ में जो हमारे स्थानांतरण हैं ऑनलाइन, इसी माह उनको समाप्त कर लेने का बात हुई है, और साथ में जो मुकदमे हैं लगभग 16,000 से ऊपर मुकदमे केवल माध्यमिक में हैं, तो उनको एक अभियान चलाकर क्या विधिक कोई एक विधि प्रकोष्ठ तैयार किया जा सकता है, इस पर भी आज निर्णय हुआ है कि इस पर भी जल्दी से जल्दी उसका निर्धारण हो। और साथ में जो शुल्क नियामक समिति भी हमारे जिला अधिकारी स्तर पर है, उसका विस्तारीकरण की बात भी विचार में आई है और जल्दी उसका निर्णय बताएंगे आप। जिला अधिकारियों और मंडलायुक्त सभी को निर्देशित किया गया है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की कार्यालयों में बैठें। सर क्या कहेंगे इस पर कुछ? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शी प्रशासनिक क्षमता और व्यवस्था का एक अंग है। वहीं समीक्षा बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि बैठक 2 वर्षों के कार्यों की समीक्षा की गई है, साथ ही भविष्य की जो कार्य योजना बनी है उस पर भी चर्चा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते रहते हैं, आज उसी में मेरे बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक थी। समीक्षा का एक ही उद्देश्य हर बार उनका रहता है कि किस तरीके से गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर हर तरीके से जितने भी सुधार हो सकते हैं उनको किया जाए। पीछे जो हम लोग लक्ष्य लेकर चले गए थे उसकी मॉनिटरिंग हम कहाँ तक पहुँचे, आगे की साल के लिए, वर्ष के लिए हमारे क्या लक्ष्य हैं, हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी, उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। जैसे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं, बेसिक शिक्षा विभाग उनके निर्देशों का 100% पालन करते हुए विभाग में और निखार लाने का प्रयास करें। एक तबादला नीति को लेकर, कुछ शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो 5 साल का ये नियम बना है उसमें 3 साल होना चाहिए। देखिए, अभी तो ऐसा कुछ भी जारी नहीं हुआ है 5 साल और 3 साल, लेकिन फिर भी बड़े पारदर्शी तरीके से पिछली बार बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के तबादले किए थे,
और पहली बार यह व्यवस्था लागू की थी कि सभी शिक्षकों के ऑनलाइन ही ट्रांसफर होंगे। एक बड़ा आरोप लगता था अधिकारियों के ऊपर, विशेष शिक्षा अधिकारियों के ऊपर, कि ये लोग जो स्थानांतरण करते हैं उसमें कई तरह की अनियमितताएँ होती हैं, और उसी सब को देखते हुए पिछली बार ऑनलाइन व्यवस्था की गई। ऑनलाइन के अंतर्गत 37,000 अध्यापकों ने आवेदन किया और उसमें 11,967 लगभग 12,000 अध्यापकों के ट्रांसफर्स हुए। और हमने इसको कई चरणों में किया, समय निकाला, आपत्तियां मांगी, फिर आपका अगर अपॉइंटमेंट आपको लगता है कि गलत स्थानांतरण हो गया है उस पर कोई आपकी आपत्ति हो तो उसको भी मांगा और हर स्तर पर उसका समाधान किया। इस बार भी हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बैठक में साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।